आज मैं फिर आपके लिए लेके आई हूँ मीशो से ख़रीदी हुई चीज़ों का एक हॉल। और ये सब किचन आइटम्स थी तो मुझे काफ़ी जो यूज़फुल लगी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो आइए देखते हैं मीशो से ख़रीदी हुई चीज़ों का एक हॉल। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, ये 7 स्पैचुलास का एक सेट था जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, तो ये मैंने उससे ख़रीदा जो कि मुझे काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिला। और इस सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, जिससे यदि आपको पसंद आए तो आप उससे ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने ख़रीदी वो है ये एक चॉपिंग बोर्ड, वुडन चॉपिंग बोर्ड। ये भी मुझे काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट्स में मिला, तो ये एक मैंने परचेज़ किया। तीसरी चीज़ है जो मैंने ख़रीदी है, एक जूट का ऑर्गेनाइज़र है। ये है जूट का ऑर्गेनाइज़र और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और ये हैंडमेड है जूट के, बल्कि मैंने दो ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे हैं, तो इसको मैंने कुछ विकर बास्केट की तरह यूज़ करने की सोची अपने किचन में, जिसमें मैं आलू प्याज वगैरह या जो गार्लिक होता है जिंजर गार्लिक उसको रखने के लिए एक स्टोरेज की तरह या ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करूँगी। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मुझे जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे पसंद आते हैं, तो मैंने एक ये ख़रीदा है। और ये मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसको एक या दो और परचेज़ करूँगी, ये भी काफ़ी अच्छे रीज़नेबल रेट्स में मिला। ये एक और हैंडमेड जूट की बास्केट है जो मैंने प्लांटर रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। फोर्थ आइटम जो मैंने लिया वो है एक, अगेन दिस इज़ एन ऑर्गेनाइज़र, और ये मसालों के लिए, खड़े मसालों के लिए मैंने या कुछ भी किचन में जो मसाले वगैरह होते हैं उनके लिए मैंने ये ख़रीदा है, जिसमें इसकी जो क्वांटिटी है वो भी काफ़ी अच्छी आ जाती है इसमें। तो ये सब चीज़ें मुझे एक ही जगह में रख के और काफ़ी अच्छा रहेगा कि सारी चीज़ें, सारे मसाले एक ही कंटेनर में कहिए आ जाएंगे और एक ही जगह में मिल जाएंगे। तो इसमें 18 मसाले या कुछ कोई भी चीज़ें हम इसमें एक साथ स्टोर कर सकते हैं। और ये एक कॉर्नर में किचन में रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक कुछ प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस ख़रीदे हैं जो कि फ्रिज में चॉपिंग की हुई वेजिटेबल्स के लिए या कुछ मटर वगैरह जो होते हैं वो छील के रखने के लिए, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यूज़फुल भी लगा, तो मैंने ये ख़रीदा है। ये देखिए, इसके अंदर एक जाली दी हुई है जिसमें कि हम वेजिटेबल्स रखें तो अगर उसमें पानी है तो वो नीचे आ जाएगा, उससे वेजिटेबल ख़राब होने का कोई डर नहीं होता। और इस तरह से बॉक्सेस एक के ऊपर एक रख के फ्रिज में बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक इडली मेकर ख़रीदा, क्योंकि मुझे साउथ इंडियन डिशेज बनाने का बहुत शौक है, तो इडली ढोकला वगैरह ये सब बनाने के लिए मैंने एक स्टील का इडली मेकर ख़रीदा है। ये है इडली मेकर। इस इडली मेकर में मुझे दो मिनी इडली मेकर मिला है, इसकी प्लेट्स मिली हैं और दो बड़ी इडली बनाने के प्लेट्स मिली हैं, स्टेनलेस स्टील के हैं ये सब। और इसके अलावा दो ढोकला के लिए, ढोकला बनाने के लिए दो प्लेट्स ढोकले के लिए हैं, और इसमें एक सिंगल प्लेट कुछ मोमोज वगैरह या कुछ भी स्टीम करने के लिए मुझे इसमें मिली है। इसके साथ ही ये कढ़ाई मिली है जिसमें कि हम स्टीम कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे से स्टीम बन जाती है और कहीं से लीकेज नहीं है। इसलिए मैंने इसमें मिनी इडलीज बनाई थी और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सुंदर छोटी छोटी इडलियाँ बनी थी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट,
ये कान्हा जी के हैंड्स विद फ्लूट बांसुरी के साथ, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। ये किचन आइटम तो नहीं है, लेकिन मैं इसको अपने किचन में एक कॉर्नर पे इसको लगाऊंगी। और इसके साथ जो है ये मोर पंखी नहीं थी, तो ये मैंने एक टेप से अटैच किया है, तो ये मैंने अपने किचन में रखने की सोची है। जब मैं इसे किचन में लगाऊंगी तो मैं आपको अपना किचन का एक टूर ज़रूर करूंगी। किचन का रिनोवेशन चल रहा है, तो फाइनल होने पर एक किचन टूर आपको दिखाऊंगी। आशा है आपको मेरा ये हॉल पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।